जिस राम सेतु को वेस्ट एडम्स ब्रिज और शांति दूत आदम का ब्रिज कहते हैं, वो असल में रामायण के इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। ट्रेलर को जिस सफाई से एकदम छुपा कर बनाया गया है, उसके पीछे की प्लानिंग यही है। क्या इस मूवी में प्रभु श्री राम के राम सेतु पर जो वाल्मीकि रामायण में है, उसे स्पष्टता से दिखाया जाएगा? क्या इस मूवी में कांग्रेस और डीएमके का असली चेहरा दिखाया जाएगा? क्या इस मूवी में कोई गंगा जमुना तेजाब या गंगा थेम्स तेजाब तो नहीं होगा? और चूंकि ये एक इमोशनल कनेक्ट वाला सीन है, तो ये सीन पूरे ट्रेलर का हाईलाइट भी है। इसीलिए कहते हैं, राम नाम सत्य है। आज मेरी फिल्म राम सेतु का आखिरी दिन। राम सेतु को बनाने के लिए वानर सेना लगी और मेरी फिल्म राम सेतु को बनाने के लिए मेरी सेना। व्हाई यू वेस्टिंग सो मच ऑफ ऑयल एंड मिल्क ऑन गॉड? वेयर इज इट रिटन कि गॉड सेज मेरे को दूध देना एंड हनुमान सिंह मेरे को तेल डाल? आई गो टू टेम्पल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, देयर सो मच ऑफ वेस्ट। All we need to develop is that mindset ki stop doing all these things and let's think in a practical way. I did a film called Oh My God and it was something about why waste so much milk on Lord Shiva or itne sare bhagwan hum daal dete hain and that whole milk just goes out in waste. Going, I used to go to Vaishno Devi every 6 months. And to me, to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because... And then one day I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, maine kisi ko de diya, kisi gareeb ko de diya, kisi ko needy ko de diya, and I got Vaishno Devi ke darshan uske andar. And that is the day I realized I don't need to go because... राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। आदि पुरुष मूवी और हिंदुत्व मूवी के प्रैंक से अभी तक हम उबर भी नहीं पाए थे और इधर बीपवुड ने राम सेतु ला दिया। हिंदुत्व मूवी का रिव्यू कल आ रहा है, तबीयत से खोलेंगे उसे और उसके पीछे प्रोपेगेंडा को। मगर आज अक्की भैया की राम सेतु मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है और बीपवुड के चाहने वाले अपनी सीटों से उछल पड़े हैं और कह रहे हैं कि क्या इसे बॉयकॉट नहीं करोगे? समझ रहा हूँ। वैसे भी जब अंत समय आता है तो अच्छे अच्छों को प्रभु श्री राम की याद आ जाती है। जानते हैं आज कि ये राम नाम की लूट है या कछु और है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। सर्वप्रथम आप सभी को साधुवाद। जिन जिन मित्रों ने मेरे मित्र केवल जायसवाल जी की मदद के लिए आगे आए हैं, जिन मित्रों को अभी भी पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। मैंने कुछ समय पहले अपने एक वीडियो में ये शेयर किया था कि मेरे एक खास मित्र की 4 महीने की बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और चूंकि उस बच्ची की उम्र 6 महीने से कम है तो सर्वाइवल के चांसेस 30% से भी कम है। अभी मेरे वही मित्र अहमदाबाद पहुंच गए हैं और मुझसे और मेरे अन्य मित्रों से जो भी बन पड़ रहा है वो हम सब सहयोग कर ही रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि अपने भारतवर्ष परिवार को भी ये सब सूचित करूं और उन्हें इस मुसीबत के बारे में बताऊं। जो भी मित्रों ने आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो हमारे कम्युनिटी पेज, FB पेज और टेलीग्राम पर सारी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर की जा चुकी हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। फिर भी आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में मैं डिटेल्स डाल दूंगा। आप सभी यथाशक्ति संभव मदद जरूर कीजिएगा, यही रिक्वेस्ट है। हम लोग ऐसे हार कर नहीं बैठेंगे, अंत तक लड़ेंगे, आगे प्रभु श्री राम की इच्छा। सो अब जब प्रभु श्री राम का नाम आ ही गया है तो भाई आज के वीडियो के असली रूट पर हम बात करेंगे। आज जहां मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का भव्य उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों हुआ, वहीं आज ही बीपवुड ने मौके पर चौंका देते हुए राम सेतु फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ये फिल्म भी उन फिल्मों में से है जिनके अनाउंसमेंट से ही इनकी बातें होने लग गई थी, जस्ट लाइक आदि पुरुष। हालांकि आदि पुरुष में प्रैंक हो गया, वहीं इस मूवी के ट्रेलर में बड़ी स्मार्टनेस से सिर्फ ब्यूटी शॉट्स रखे गए। ब्यूटी शॉट्स, मैं बताता हूँ।
वो शॉट्स जिनमें एनवायरमेंटल ब्यूटी, लैंडस्केप्स, वाइड एंगल शॉट्स ये सब होते हैं, जो कि सीन्स को ड्रामेटिक बनाते हैं। इससे दो फायदे होते हैं, पहला कि फुटेज की लेंथ बढ़ जाती है और दूसरा कि स्टोरी की भव्यता और बेस पता पड़ जाती है। ट्रेलर की शुरुआत ही उस बैकड्रॉप से होती है जब यूपीए 2 के समय कांग्रेस की मनमोहनी सरकार ने कोर्ट में यह हलफनामा दिया था कि राम सेतु को तोड़ा जाए ताकि भारत और श्रीलंका के बीच की ट्रेड रूट को और आसान किया जा सके। उस समय भी पूरे देश की जनता में आक्रोश भर गया था, मगर उस समय आज के जैसे सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए चीज फैल नहीं पाई, क्योंकि जिस राम सेतु को वेस्ट एडम्स ब्रिज और शांति दूत आदम का ब्रिज कहते हैं, वो असल में रामायण के इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। खुद नासा और डिस्कवरी को यह सत्य बताना पड़ा कि ये ब्रिज मैनमेड ब्रिज है, मतलब रामायण कोई मिथ नहीं बल्कि इतिहास है। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु का वर्णन बहुत डिटेल में दिया गया है कि कैसे नल और नील दो वानरों की कुशलता ने उस समय वो कर दिखाया जिससे प्रभु श्री राम की सेना को रावण की लंका के मुहाने लाकर रख दिया। ये परफेक्ट एग्जांपल था इंजीनियरिंग का, मगर समय के साथ साथ लोग इसे माइथोलॉजी कहने लगे। फिल्म के कुछ शॉर्ट्स में आईएसआईएस के टेररिस्टों को भी दिखाया गया है। भाई अब झंडे से तो यही मालूम पड़ता है, अब इनको क्यों डाला गया है वो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा। अक्की भैया एएसआई से हैं, बोले तो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और उन्हें ये काम सौंपा गया है कि वो जाकर राम सेतु की प्रमाणिकता खोजे। ट्रेलर में आपको झलक मिलती है नसीर, नुसरत भरूच, जैकलिन फर्नांडिस, प्रवीण राणा और सत्यदेव कंचरणा की। फिल्म के डायरेक्टर हैं अभिषेक शर्मा, जो इससे पहले तेरे बिन लादेन, द शॉकिंग्स, द जोया फैक्टर जैसी मूवी ऑलरेडी डायरेक्ट कर चुके हैं। हालांकि इन्होंने ही परमाणु फिल्म भी डायरेक्ट की थी, मगर इनकी बाकी की फिल्मोग्राफी की लिस्ट देखकर थोड़ा डाउट रह जाता है कि इतने सीरियस सब्जेक्ट पर ये क्या न्याय दे पाएंगे। और इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं पंडित चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी, और उन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स भी लिखे हैं अभिषेक शर्मा के साथ। पंडित जी सम्राट पृथ्वीराज मत कर देना, क्योंकि पंडित चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी ने जो भी चाणक्य सीरियल से कमाया था वो सब उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज मूवी में खो दिया। ट्रेलर में एडवेंचर वाली वाइब्स है और ऐसा भी लग रहा है कि इसका स्क्रीन प्ले थोड़ा फास्ट हो सकता है, मगर अभी तक वैसे शॉट्स नहीं देखने को मिले हैं जिससे कुछ एक्साइटमेंट आए, एक्सेप्ट ये वाला शॉट जिसमें अक्की भैया राम सेतु के पत्थर को बाहुबली स्टाइल में उठाकर लाते हैं। ये सीन अच्छा बना है और चूंकि ये एक इमोशनल कनेक्ट वाला सीन है तो ये सीन पूरे ट्रेलर का हाईलाइट भी है। फिल्म में एक सीन की और बड़ी चर्चा हो रही है और वो ये है, कुछ लोग ट्विटर पे इसे हनुमान जी का कैमियो बता रहे हैं तो कुछ लोग कुछ और। सीधी बात है, हवा तो बनाई जा रही है कि भैया आओ और देख लो। अभी तक जो भी शॉट्स देखने को मिले वो कहीं ना कहीं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कार्तिकेय 2 मूवी से, और इसका कंपैरिजन ऑब्वियसली होगा क्योंकि कार्तिकेय 2 मूवी भी इसी जॉनर की है, बोले तो एडवेंचर प्लस थ्रिलर। जहां कार्तिकेय 2 मूवी में प्रभु श्री कृष्ण के खोए हुए कड़े और द्वारका सेंटर पॉइंट थे, वहीं इस मूवी में राम सेतु और प्रभु श्री राम सेंटर पॉइंट होंगे। भाई अभी तक तो यही देख के लग रहा है, आगे की कोई गारंटी नहीं, मगर चूंकि ये काम बीफूड का है तो इस बार पब्लिक इतनी जल्दी इनसे इतनी सारी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएगी, क्योंकि राइट फ्रॉम सम्राट पृथ्वीराज चौहान टू आदि पुरुष यही हुआ है कि भैया दिखाते कुछ और हैं और होता कुछ और है। खुद अक्की भैया के डबल स्टैंडर्ड्स पूरे पड़ जाते हैं किसी भी मूवी के इंटरेस्ट लूजन आउट होने को, भाई को ज्ञान भी देना है और पैसा भी कमाना है। राम सेतु कोई मजाक का विषय नहीं है, और खासकर तब जब बात प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई हो, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम पर पूरा भारत नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट पूरा एक है। पोनियन सेल्वन 1 मूवी में चोल राजवंशों को माथे पर तिलक, हिंदू रीति रिवाज के फॉलोवर दिखाने से कैसे कमल हसन जैसे पुराने खाटी वामपंथियों के पेट में दर्द हो गया था। हालांकि इसी PS1 मूवी को बनाने वाला खुद एक पुराना वामपंथी है, मगर उसने अनजाने में ही सही मगर वो एक काम कर दिया है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था, वो था कि हमारे तमिल भाइयों का सनातन से कितना पुराना रिश्ता है उसे दिखाना। कैसे पोनियन सेल्वन मूवी ने आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी को उड़ा कर रख दिया। हालांकि मैं कमल हसन के चोल राजाओं के हिंदू नहीं होने पर एक अलग ही वीडियो बना रहा हूँ जिसमें पूरी हिस्ट्री खोलूंगा और बताऊंगा कि कैसे हमारे ही तमिल भाइयों को हमसे इतने सालों तक कैसे अलग रखा गया। राम सेतु एक इमोशनल सब्जेक्ट भी है, राइट फ्रॉम तमिलनाडु टू लद्दाख। जिस पृष्ठभूमि पर यह फिल्म है और जो ट्रेलर में अभी तक नहीं दिखाया गया है वो है कांग्रेस और DMK का एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा। DMK एक ऐसी पार्टी है तमिलनाडु की जिसका जन्म ही द्रविड़ियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। आज भी
कोई भी तमिल एक्टर नेशनल मीडिया में आकर हिंदी सवालों का इंग्लिश में ही जवाब देता है। वो कपिल शर्मा वाला एपिसोड नहीं देखे क्या, PS1 वाला? ऐसा नहीं है कि इन्हें हिंदी आती नहीं, मगर ऐसा माहौल बनाया गया है कि भैया हिंदी भाषी आएंगे और तमिल कल्चर पर हिंदी सुपर इम्पोज कर देंगे। पता नहीं कितने साल और लगेंगे इस झूठ को गिरने में, और इस प्रोपेगेंडा को बढ़ावा वहाँ के मिशनरीज भी देते हैं। और अब तो बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग करने का प्रोपेगेंडा भी चल रहा है। जिन अम्बेडकरवादी बुद्धुओं को असली बौद्ध धर्म नहीं पता, वो भी देख लें कि स्वयं दलाई लामा ने कैसे अभिषेक किया था महादेव का। क्रिश्चियन मिशनरीज ने कितना तांडव मचा रखा है तमिलनाडु में, ये पूरा भारत देश जानता है। जैसे जैसे परतें खुलेंगी वैसे वैसे ये पुराने पापी जागेंगे, क्योंकि इतने सालों से इनका जो एजेंडा था वो अब धीरे धीरे खतरे में पड़ रहा है। सबसे बड़ा चैलेंज राम सेतु मूवी के सामने यही होगा कि वो कैसे इस इतिहास को प्रेजेंट करती है। ये फिल्म एक अपॉर्चुनिटी भी है बॉलीवुड के लिए सुधरने की, मगर जैसे हालात हैं वैसे संभावना जरा कम लगती है, क्योंकि लोग अब लिटरली थक चुके हैं ऐसे एजेंडाओं से। कैसे मनोज पांडे और सॉरी मनोज मुंतशिर जैसे लोगों को पब्लिक के बीच में हिंदूवादी राष्ट्रवादी स्थापित किया जाता है, और जब ऐसे लोगों की फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है तो इनके ही कंधों का इस्तेमाल किया जाता है अपने एजेंडाओं को साधने में। विक्रम वेदा आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। खुद ओम राउत से ज्यादा मनोज मुंतशिर डिफेंड कर रहे हैं आदि पुरुष को। हमने तो पहले ही कहा था कि रंगे सयारों और मौसमी राष्ट्रवादियों से सावधान रहो। शायद इसीलिए ऐसो को मैं तथाकथित राष्ट्रवादी हिंदूवादी कहता हूँ, जो अपनी मीठी मीठी बातों से पब्लिक को रिझा लेते हैं और फिर बाद में अपना असली खेला खेलते हैं। राम सेतु मूवी ऐसे समय आ रही है जब पब्लिक का मूड आदि पुरुष मूवी ने गर्म करके रखा हुआ है। ट्रेलर को जिस सफाई से एकदम छुपा कर बनाया गया है, उसके पीछे की प्लानिंग यही है कि भैया रिलीज तक कोई बवेरा ना खड़ा हो जाए। इतना डर क्यों है बॉस? अगर सचमुच सही तरीके से बनाया है तो इस बात का डर होना ही नहीं चाहिए। वैसे अभी हो सकता है कुछ और क्लिप्स भी आए, मगर चूंकि ये फिल्म 25 अक्टूबर को रिलीज होनी है तो कहना मुश्किल है कि एक दो क्लिप से ज्यादा कुछ और भी रिलीज हो। क्या इस मूवी में कांग्रेस और DMK का असली चेहरा दिखाया जाएगा? कौन कौन थे शामिल इस साजिश में? क्या रोल था वेस्टर्न पावर्स का राम सेतु को तोड़ने में? क्या इस मूवी में प्रभु श्री राम के राम सेतु पर जो वाल्मीकि रामायण में है उसे स्पष्टता से दिखाया जाएगा? क्या इस मूवी में कोई गंगा जमुना तेजाब या गंगा थेम्स तेजाब तो नहीं होगा? ISIS को तो दिखा दिया, मगर रामेश्वरम और उसके आसपास कैसे मिशनरियों ने अपनी अपनी दुकानें लगाई हुई हैं, वो दिखाओगे? क्या इस मूवी में आर्यन द्रविड़ियन थ्योरी पर सही बात रखी जाएगी? प्रश्न बहुत हैं। वैसे भी इस मूवी का रिव्यू तो होगा, तब देखेंगे कि सचमुच राम नाम पर है या फिर सिर्फ राम नाम की लूट है। क्योंकि याद रखना, राम नाम ही सत्य है। और अब चलते चलते एक संदेश बीपवुड को। भैया ऐसा है, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो कि बस कैसे भी पब्लिक थिएटर में आ जाए, फिर भले ही आप लोग उसके लिए लाइव एडवांस बुकिंग वाला स्कैम तक कर लेते हो। ये जो लाइन लगा दी ना आपने हिंदुओं से भी ज्यादा हिंदू दिखाने वाली फिल्मों की, इसे रोक लो, क्योंकि ये कहावत है, शाणा कौवा गुही खाता है। अगर आप लोगों में जरा भी निष्ठा है हिंदुत्व के प्रति तो तुरंत आदि पुरुष मूवी को रोक लो, और अगर राम सेतु मूवी में जरा भी इधर उधर किया तो बेटा पेले भी जाओगे और घसीटे भी जाओगे। सुना है केजो ट्विटर से भाग गया है, क्यों? अब नहीं कहना कि जिसको देखना है वो देखे वरना ना देखे। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। और आज ये जो भव्य माहौल बनल बा, सोचिए यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे, यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम, और इलेक्ट्रिक वाला है तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइए हरा और महादेव स्वर्ग जाओगे। अगर आप भी राम सेतु को राष्ट्र धरोहर घोषित करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।